ॐ सहनाभवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनोमावतितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हेलो, myself संतोष चौबे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जिंदगी का सफ़र एक ऐसा सफ़र कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय प्रिय विद्यार्थियों, आदरणीय भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से आज इस मुद्दे पे बात करने आया हूं कि जीवन को किस प्रकार से हम सार्थक बनाएं। देखिए, जीवन क्या है न तो इसे परिभाषित करने की जरूरत है और ना ही किसी के पास इसकी कोई परिभाषा है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एम्स इन द लाइफ, सो लाइफ कांट बी द सेम फॉर एवरीवन। क्योंकि मानव जीवन में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के जीवन के लक्ष्य अलग हैं, सभी लोगों के जीवन की परिस्थितियां अलग हैं, अतः सभी का जीवन एक समान हो नहीं सकता, अतः जीवन की परिभाषा भी नहीं बनाई जा सकती। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं यहां पर जीवन की न तो आपको परिभाषा बताने आया हूं, न जीवन के बारे में कुछ रहस्यमय बातों को करने आया हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से जीवन वही है जो आप जी रहे हो। लेकिन इस जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, निश्चित रूप से वह है टू गेट मैक्सिमम ब्लिस इन द लाइफ, जीवन में अधिकतम आनंद की प्राप्ति हो। और इस आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए, इसका तरीका हर इंसान के पास अलग अलग है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि जीवन में इंसान के भौतिक पक्ष भी हैं, आध्यात्मिक पक्ष भी है, और मानव के जीवन का आध्यात्मिक पक्ष भी है। इफ यू न्यू द आइडिया, इफ यू न्यू हाउ टू बैलेंस आवर फिजिकल, मेंटल एंड मेटाफिजिकल लाइफ, देन आई एम श्योर दैट यू आर वेरी नियर टू द स्टेट ऑफ ब्लिस। यदि आप अपने जीवन के शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक जो पहलू हैं, यदि आपने उसको संतुलित करना सीख लिया, तो मैं समझता हूं कि आप अपने जीवन के आनंद के सबसे करीब हो। मेरे संस्था को छोड़ने पर बहुत सारे विद्यार्थियों के मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठ खड़े हुए, बहुत सारे लोगों ने फोन करके भी और YouTube के माध्यम से भी या फिर Facebook के माध्यम से, जो भी आपके पास सोशल मीडिया है, मुझसे जुड़ने का, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस पर प्रश्न पूछे और मैंने किसी को भी इसका सही उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी उत्तर से आप संतुष्ट हो पाओगे। लेकिन मैंने इतना जरूर जान लिया कि जीवन वह नहीं है जो मैं जी रहा था। मैं एक वह जीवन जीना चाहता हूं जिस जीवन में मुझे सुकून हो, संतुष्टि हो, मुझे सुख हो, मेरा हर एक पल खुशियों से भर जाए, मेरे हर एक पल में आनंद हो, मेरा जीवन का एक एक रोम
खुशियों से पुलकित हो जाए। और यह तभी हो सकता है जब मेरे आसपास रहने वाले लोग, जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैं समझता हूँ, उनका जीवन भी खुशियों से भरे, वे भी हमारे साथ नाचें, वे भी हमारे साथ गाएं। और ऐसा करने के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे भौतिक जीवन का कुछ त्याग करना पड़ेगा, मुझे आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाना होगा, मुझे सामाजिक जीवन में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करना होगा, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सदियों से अंधकारों तले अपना जीवन गुजारा है। एंड आई वॉन्ट टू लीड द लैम्प ऑफ देयर लाइफ हु आर वेटिंग फॉर द टाइम मेमोरियल एंड दे आर इन द स्टार्क डार्कनेस, जो अंधेरे में डूबे हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं उनके जीवन में दीप जलाऊं। और इसीलिए मैंने निर्णय कर लिया कि मेरी जो भी क्षमताएं हैं, मेरे पास जो भी कैपेबिलिटी है, उस सारे कैपेबिलिटी को, क्षमता को मैं लगाऊंगा जब तक ये जीवन है। और मैं जो दान दे सकता हूं, वो दान है शिक्षा का दान। इसलिए मेरा यह निर्णय है कि मैं समय समय पर आपको योग की क्लास भी कराता रहूंगा, लेकिन मानव के जीवन में सबसे पहला जो पड़ाव है वह है भौतिक जीवन। और जब तक आपका भौतिक जीवन में संतुष्टि आपको प्राप्त नहीं होगी, तब तक आप अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। और आप सोचोगे भी तो वह सार्थक नहीं हो पाएगा, आप का जीवन अधूरा हो जाएगा, आप भटक जाओगे। और इस भौतिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति ने अपने अपने लिए कुछ रास्तों का चुनाव कर रखा है। और आप लोग कोई ना कोई सरकारी नौकरी चाहते हो, तो मैंने ये निर्णय किया है कि मैं पूरी क्षमता के साथ बहुत मेहनत करके आप लोगों को YouTube के माध्यम से, YouTube को थैंक यू है कि उसने दुनिया में एक ज्ञान की क्रांति लाई। हालांकि YouTube का जो भी लक्ष्य हो पैसा कमाना, लेकिन अगर किसी के पैसे कमाने से भी आपका जीवन सुखी बनता है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं YouTube के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों को प्रतिदिन वो सारी क्लासेस पढ़ाऊंगा जिसकी आपको ज़रूरत होती है आपकी परीक्षाओं में। मैंने आप लोगों से बहुत कम ही अपने बारे में चर्चाएं की, और आज मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, मेरा साइंस बैकग्राउंड था और मैंने एमएससी किया। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था मैथमेटिक्स, अर्थात गणित। लेकिन सिविल सर्विसेज की परीक्षा की ओर आने के कारण से वो गणित का जो विषय था मेरा छूट गया। आज भी वह मेरे जहन बसा हुआ है। और मैंने अपने जीवन में सोच रखा था कि कभी मुझे ज़रूरत, जब मैं कभी भी मुक्त हो जाऊंगा, इस कोचिंग जगत से मैं बाहर हो जाऊंगा, और मैं जब अलग से कुछ करूंगा, तो मैं विद्यार्थियों को मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले बताना मैं चाहता हूं कि मैं मैथ्स की क्लास खुद लेने वाला हूं, और आप लोगों को बहुत ही बेसिक तरीके से मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि मैं रामानुजन हूँ, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे साथ मैथ्स की पढ़ाई की, तो निश्चित रूप से मैथ्स में आपको आत्मविश्वास आ जाएगा। मैं आपको वादा करता हूँ कि आई सेल फील कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। इसी तरीके से अंग्रेज़ी भी मेरा फेवरेट विषय रहा है, और मैंने एमएससी के साथ साथ एमबीए भी कर रखा है। तो मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, जनरल इंग्लिश, ग्रामर का पोर्शन, और जनरल स्टडी तो मेरा विषय है, चूंकि पिछले 15 सालों से मैं जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन ही विद्यार्थियों को पढ़ाता रहा हूँ, तो मेरा ये भी सब्जेक्ट है।
तो मैं आपको मैथ्स, इंग्लिश, जनरल स्टडी, समान अध्ययन और साथ साथ समान अध्ययन का जो दूसरा पार्ट है करंट अफेयर्स, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। कल से मेरी लाइव क्लासेस इंडियन पॉलिटी की शुरू होगी, क्योंकि मैं जनरल स्टडी में सबसे पहले आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, फिर आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिर जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, और उसके बाद लास्ट में मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा। और जो करंट अफेयर्स की क्लास है आपकी डेली की क्लास रहेगी। साथ ही साथ 15 अप्रैल से मैं आपको 1 घंटे मैथ्स और 1 घंटे आपकी इंग्लिश की क्लास भी लूँगा। क्लास की मैं पहले टाइमिंग बता दूँ आपसे कुछ भी कहने के पहले, जो क्लास की आपकी टाइमिंग रहेगी वह रहेगी लाइव क्लास 7 बजे से 8 बजे तक, इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास जो आपकी कल से शुरू होगी, और शाम के 7 बजे से 7:30 बजे तक आपकी जो क्लास रहेगी वह क्लास होगी आपकी करंट अफेयर्स अर्थात सामान्य ज्ञान की क्लास। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्लासेस जो है आपकी लाइव होगी, और कभी मान लो कि यदि ऐसा हुआ कि मैं कहीं बिजी हो गया तो मैं आपका उसका वीडियो डाल दूंगा, लेकिन वो वीडियो आपके टाइम पर ही प्रसारित होगा। आपको जो भी प्रश्न पूछना है आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले दिन उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। और 15 अप्रैल से आपकी जो क्लास होगी मैथ्स की क्लास, एकदम बिल्कुल आपको शुरू से पढ़ाऊंगा, और मैं वादा करता हूं कि आपको कहीं भी किसी से भी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 अप्रैल से आपकी मैथ्स की क्लास होगी 11 बजे से 12 बजे, और इंग्लिश की क्लास होगी 1 बजे से 2 बजे। तो देखो, मैं आपसे बात कर रहा था कि जीवन को सार्थक बनाने का देखो जो तरीका है वही तरीका है कि आपको जिसने जन्म दिया आपके माता पिता ने, यदि आपने उस ऋण को उतार दिया, आपके जीवन को आगे बढ़ाने में जिस समाज ने सहयोग किया, अगर आपने उस समाज के जीवन को आगे बढ़ा दिया, आपके जीवन को बढ़ाने में जिस राष्ट्र ने आपको सहायता की है, जो जिस राष्ट्र के कारण से आपका अस्तित्व है, यदि आपने उस राष्ट्र के जीवन में अपना योगदान कर दिया, और साथ ही साथ आपके साथ जब के बच्चे हैं आपने उनकी जिम्मेवारियों का निर्वहन यदि सही तरीके से कर लिया, तो आप समझ लो आपके जीवन का हर एक पल खुशियों से भरा हुआ है। आप आनंद के सागर में डुबकियां लगा रहे हो, आपका हर एक पल जो है वह जो है मुस्कुराहटों के साथ गुजरेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने भौतिक, मानसिक, शारीरिक जितने भी आपके जीवन के पहलू हैं सबको बैलेंस करने की कोशिश करें। देखिए, मानव की इस समय जो सबसे बड़ी भूल है, अधिकांश लोग अधिक से अधिक पैसे कमाने के चक्कर में पड़ जा रहे हैं, और मैं नहीं कहता हूँ कि गलत है, लेकिन उस पैसे का वो सिर्फ अपने लिए उपभोग करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि थोड़े से पैसे कमा लो अपने जीवन को चलाने के लिए, और बाकी बात अपने जीवन में जो और लोग हैं जो इस पैसे को कमा करके इस राष्ट्र को, इस समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप अकेले कमाओगे तो आप कम कमा पाओगे, लेकिन अगर आपने 1000 लोगों को कमाने के लायक बना दिया तो यह राष्ट्र, देश, यह जो दुनिया है, ये खुशहाल हो जाएगी। तो मेरे जीवन का अब यही लक्ष्य है, मैं इसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ूँगा, और मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं जो भी करने वाला हूँ आपके मन को सुकून देने वाला होगा। मैं अपनी कविता को सुनाना चाहता हूँ कि जीवन एक उपहार है, इसे व्यर्थ में खोना ना, 2-4 पल मिले जो हंसने के, इन्हें आंसू में भिगोना ना, यूं ही हंसते खेलते जीवन पथ पर बढ़ते जाना, अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत, जिंदगी को तुम सजाना, ये तो जिंदगी है, मुश्किलें तो आएंगी, पर रात के अंधेरे हटेंगे, फिर से सूरज की किरणें छाएंगी, और रुक न जाना मंजिल पर तुम, यही हार की बात होगी, नए ध्येय का रास्ता ले, फिर से नई शुरुआत होगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माता, मेरे पिता, सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी क्लास जो है वो ज्वाइन करें। आप किसी भी लेवल से पढ़ाई कर रहे हों, मैं आपको 0 से पढ़ाऊंगा, आपको मैं सिखाऊंगा। अगर आपने अभाव के कारण से, किसी कारण से अगर आप नहीं सीख पाए हैं, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको मैं 0 से हीरो बनाने की कोशिश करूं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो इसका PDF होगा वो अभी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध होगा, और उसके लिए जो मेरा नंबर है आप नंबर नोट कर लें, 9140687292। एक बार फिर से मैंने अपना नंबर रिपीट कर दे रहा हूँ, आप उसको टेलीग्राम पर मैं
अपने मैटर जो है अपलोड करूँगा, जो भी आपके पास आपका पीडीएफ होगा, 91-40-68-72-92, 91-40-68-72-92, 9140-68-72-92। तो गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, नमस्ते, प्रणाम।